नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेड यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। कल निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है और आज मार्केट कंप्लीट साइडवेज हुआ है। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी थोड़ा बुलिश क्लोजिंग दिया है, हायर टॉप में क्लोजिंग दिया है और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस नजर आया है। और बैंक निफ्टी में वीकनेस आने का एकमात्र कारण है एचडीएफसी बैंक। देखिए, आज 3% गिरा है एचडीएफसी बैंक। नो डाउट कि जब अपर साइड में मूवमेंट कर रहा था एचडीएफसी बैंक तो काफी सपोर्ट मिला बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए, लेकिन आज का पैटर्न देखिए, आज का कैंडल देखिए, काफी वीकनेस है। लेकिन बैंक निफ्टी में इतना वीकनेस नहीं है जबकि हैवीवेट स्टॉक राइट, कारण कि आईसीसी बैंक बहुत अच्छा चला मूवमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और 2 दिन से एसबीआई भी काफी अच्छा 3 दिन से मूवमेंट दे रहा है। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक में थोड़ा दबाव नजर आ रहा है लेकिन बाकी बैंकों में काफी पॉजिटिव साइन है राइट। तो मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी बना हुआ है। कल हम लोग डिस्कशन किए थे दोस्तों कि अगर इस कैंडल के नीचे चले जाएगा शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो कल के लिए क्या प्लान रहेगा हमारा, आज के लो के नीचे चले जाएगा शॉर्ट का प्लान करेंगे राइट। देखिए, जब से एक मूवमेंट आया है कंटिन्यू में, कभी भी प्रीवियस डे के नीचे कोई कैंडल गया नहीं है। अगर प्राइस प्रीवियस डे के नीचे जाएगा तो इसमें शॉर्ट का ट्रेड जरूर बनेगा। बस सकते हैं एक पॉइंट ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, लोअर साइड का टारगेट 44,500 के आसपास आना चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट होगा जब ये 45,000 के बिलो ब्रेक करेगा तब राइट। और 45,000 चूंकि देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पुट राइटर बैठे होंगे, 45,000 सपोर्ट का काम भी कर सकता है। तो आज के लो के नीचे अगर हम शॉर्ट करेंगे तो 45,000 के लेवल को जरूर ध्यान रखेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन कर गया तो 300-400 पॉइंट फ्लो में हमें मिल जाएगा और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा तो ट्रेड को रिवर्स कर लेंगे हायर साइड के लिए, ठीक है, ये प्लान होना चाहिए कल के लिए हमारा। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। दोस्तों देखिए, लास्ट मिनट का कैंडल थोड़ा पॉजिटिव रहा है और आज 10-15 मिनट के बाद मैं आप लोगों को शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल में कि आज मार्केट का ट्रेंड ना साइडवेज लगता है इंट्राडे के लिए और कंप्लीट साइडवेज रहा है। ओके, कल भी मैंने बताया था कि इसमें ना स्ट्रगल या स्ट्रेंगल बना सकते हैं लेकिन इतना इजी नहीं है। आज स्ट्रगल स्ट्रेंगल अगर बनाए होंगे ना, दोनों साइड प्रीमियम प्लस हो रहा था, ठीक है। मैं ओवरनाइट भी स्ट्रगल लेके गया था इसमें तो भी पैसा नहीं मिला, जबकि सुबह सुबह 7.8 पॉइंट आई भी प्लस हो गया था, इस वजह से प्रॉफिट नहीं मिला और दिन भर भी इसमें कोई खास प्रॉफिट मिला नहीं अपने को। तो चलिए देखिए, एक पॉइंट आप इसे नजर रखिए दोस्तों, ये है प्रीवियस डे का लो राइट। आज का लो तो इस पॉइंट में है, तो मैं कहूंगा ना कि आज के लो से शॉर्ट न करके प्रीवियस डे के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 45,000 के बिलो शॉर्ट का प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है, हमें नजर आता है कि अगर ये कंटिन्यू में है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद इसमें शॉर्ट का प्लान करेंगे। मिनिमम 44,700 का टारगेट हमारा रहना चाहिए इंट्राडे के लिए, ठीक है, मतलब 300 पॉइंट, 100 पॉइंट कैसे डालेंगे, 300 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। आईटीएम पुट शॉर्ट सॉरी कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, 44,500 का कॉल सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा तो 44,500 का भी भाव टेस्ट कर लेगा। ये भाव सपोर्ट का है, यहाँ से रिवर्सल का प्लान करेंगे, कल हो सकता है या फिर परसों हो सकता है, ठीक है। तो नजर रखिएगा, 44,500 से रिवर्सल का प्लान करेंगे, 45,000 के बिलो अगर प्राइस सस्टेन करता है, नीचे जाता है कंटिन्यू में, शॉर्ट का प्लान करेंगे। 100 पॉइंट कैसे रखेंगे, क्वाइटीएम पुट शॉर्ट करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी कम रखिएगा लेकिन शॉर्ट का ट्रेड होना चाहिए। अगर नीचे जाएगा तो रिवर्सल प्लान भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर ये ट्रेड छूट भी जाता है तो मैं रिवर्सल प्लान नहीं छोड़ना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूंगा दोस्तों, अगर ऊपर चले जाते, देखिए गैप अप ओपन हो जाएगा तो मैं पोजीशन बना के गया हूँ, आप लोग भी बताया हूँ, गैप अप ओपन हो जाएगा प्रॉफिट मिलेगा राइट। बुलिश ट्रेंड में ना गैप अप ओपन हो सकता है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है दोस्तों तो ये 200 के ऊपर बाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ फ्लैट खुलता है ऊपर निकलता है तो आप इसमें एक बाई का प्लान कर सकते हैं 200 पॉइंट 250 पॉइंट का टारगेट के लिए, और आपका स्टॉप लॉस 70-80 पॉइंट का ओपन होना होना चाहिए। इसमें आईटीएम पुट शॉर्ट कर सकते हैं या फिर आप फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड बनेगा दोस्तों, गैप अप खुल जाएगा तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा, गैप अप खुल जाएगा तो ट्रेड लेना मुश्किल। ए पॉइंट रेजिस्टेंस, तो पहले प्लान करेंगे ऊपर 45,600 के आसपास जाने के लिए। यहां से कोई ब्रेकडाउन वाला कैंडल दिखेगा, फिर माफ करो, यहाँ से ब्रेकआउट फेल वाला कैंडल दिखेगा तो टॉप से शॉर्ट का प्लान करेंगे। ये जो ब्रेकआउट वाला पॉइंट है ना, ब्रेकआउट पॉइंट वाला कैंडल ना रेड नहीं बनना चाहिए 5 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में। तो इस पॉइंट को जरूर नोट करके रखिएगा, किसी कारण से गैप अप ओपन हो गया, प्राइस यहाँ गया, ये कैंडल ना रेड नहीं बनना चाहिए। अगर एक कैंडल रेड बनता है तो शॉर्ट का प्लान करेंगे, 50 से 60 पॉइंट से ज्यादा की स्टॉप लॉस रखना नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखेंगे दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है,
कल बाई के लिए सबसे बेस लेवल यहीं पर ओपन हो जाए, फिर अपर साइड का मोमेंट मिले तो 19,500 का हमारा टारगेट होना चाहिए। हमारा बाई लेवल होगा 19,390 का, स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,360 का, 30 पॉइंट के सेल बाई का प्लान करेंगे। आईटीएम कोई पुट शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, नजर रखिएगा। चलिए, और 19,500 फ्लो में जाता है तो 600 का भी टारगेट मिल जाएगा, बट 500 का टारगेट इनफ है। अगर आज के लो के नीचे ब्रेकडाउन करता है दोस्तों, थोड़ा देर वेट करना है, इसके बाद इसमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए, तो डाउन साइड में 19,300 19,250 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, नजर रखिएगा। ब्रेकडाउन देगा तो सभी प्लान करेंगे इसमें शॉर्ट करने के लिए। आजकल लो का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, मतलब 340 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 340 के नीचे गया तो ट्रेड आपको 250 का देखने को मिलेगा, करेक्ट। चलिए, तो ये हुआ दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड। मुझे लगता है एक बार ऑल टाइम हाई फिर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी 500 का चार्ट आप देख लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ऑल टाइम हाई जो टेस्ट किया है, और निफ्टी 500 जिधर मूवमेंट करता है क्योंकि वो सेक्टोरियल इंडाइसेस ही है रहने के लिए, बट ओवरऑल पिक्चर शो करता है, करेक्ट। तो निफ्टी 500 का चार्ट आप देख लीजिएगा, कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्या देखा आप लोगों ने। चलिए अब स्टॉक देखते हैं कल किसमें ट्रेड करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल टाइम हाई, ठीक है, और जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो मैं ब्रेक करते समय ट्रेड नहीं करता हूँ, रिट्रेसमेंट में से ट्रेड मैं जरूर प्रीफर करूंगा, 27 2740 के आसपास। देखिए बहुत अच्छा मोमेंट किया है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए, तो कल देखिए ये इसका लो है 2740 2740 के आसपास बाई करेंगे, प्रीवियस लो कैसेल डाल देंगे सिंपल, ठीक है, मतलब 2730 के आसपास कैसेल, 10-12 पॉइंट कैसेल, और ट्रेड में हम लोग टारगेट रखेंगे 2760 से 2780 का, ये हमारा टारगेट होना चाहिए कल, नजर रखिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मारुति ऑल टाइम हाई, और देखिए मारुति का जो मैं कुछ दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल में चार्ट शेयर किया था दोस्तों, ये ना 6,000 का ट्रेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डेप्थ है ना दोस्तों, ये लगभग 5,500 है, तो मैं 6,000 5,500 का टारगेट देख रहा हूँ यहाँ से अपर साइड में। पोजिशनल में बहुत बढ़िया ट्रेड होगा, और जब मैं अप्रैल में वीडियो बनाया था तभी मैं बताया था मैं इसे बाई किया हूँ 8,300 में, तो 8,300 से बाई है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और इसका पोजीशन होल्ड रखना चाहिए, नहीं बनाए तो फिर बनाना चाहिए, ये अपर साइड का ट्रेड बहुत बढ़िया है। तो 10,000 का भाव आज टेस्ट कर लिया है, कल थोड़ा नीचे मिल जाएगा तो बाई करेंगे इधर, ठीक है, 9,800 के आसपास बाई करेंगे, या फिर 9,850 के आसपास बाई करेंगे, 50 रुपए कैसे डाल के, कोई रिवर्सल मिलना चाहिए, पहले नीचे जाएगा कोई ग्रीन कैंडल के बाद इसमें रिवर्सल का प्लान करेंगे, ये ट्रेड हमें मिलना चाहिए। 10,000 के ऊपर जाएगा तो जल्दी से 11,000 11,500 की तरफ मूवमेंट कर सकता है, नजर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यही SBI कैप, सॉरी SBI कार्ड, इसे नजर रखिए, कल हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट करता है तो। देखिए इसके लिए ना मॉर्निंग में यहाँ पर एक 15 मिनट का कैंडल बुलिश चाहिए, तो इधर का लो कैसेल डालेंगे, अपर साइड का ट्रेड रखेंगे, या फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का भी आप इसमें लो कैसेल डाल के ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट मिलना चाहिए 8:55 का, ओके, एक अच्छा ट्रेड बनेगा। मॉर्निंग में एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश चाहिए, फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है, गैप अप खुलेगा अवॉइड करेंगे। आयशर मोटर नजर रखिएगा, देखिए इस स्टॉक को कल भी मैं ट्रेड किया सपोर्ट में, SL कटा, आज भी मॉर्निंग में मैंने ट्रेड किया था, SL कटा, अब देखिए 200 EMA के आसपास आ गया है, ओके, और हार्ले डेविडसन और बजाज ऑटो का ये दोनों के बीच में टाई अप हुआ है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, बट ना बाई के लिए परफेक्ट लेवल है, यही से सब कारण होता है जिसके वजह से स्टॉक नीचे गिरता है और आपको एंट्री देता है, तो यहां पर बाई करना चाहिए, फ्यूचर बाई करके पूरा मंथ पोजीशन होल्ड करना चाहिए, पुट के साथ पुट बाई कर लो, फ्यूचर बाई कर लो, मैंने किया है, ठीक है, और मैं पोजीशन होल्ड करूंगा क्योंकि बहुत परफेक्ट सपोर्ट है, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे चले जाए तो कोई बात नहीं, तो फिक्स लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करेंगे। कल दोस्तों अगर 15 मिनट में यहाँ पर बुलिश कैंडल मिलता है जरूर बाई करेंगे, ठीक है, पहले 15 मिनट वेट करो, बुलिश कैंडल मिलता है बाई करो, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का लो कैसे रखो, टारगेट 3,400 रखो, सिंपल, इससे ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, कल नजर रखिएगा आयशर मोटर में। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों यह है आरती, आज ट्रेड नहीं दिया लेकिन एकदम सपोर्ट में है, अगर यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे तो कहाँ ट्रेड करेंगे, ठीक है, एकदम सपोर्ट में है, कल नजर रखिएगा। आज हमारा SL गया है 5-6 रुपया, कल मैं इसमें फिर से ट्राई करूंगा, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर ये लो टेस्ट करके ग्रीन बनता है तो यही जगह बाई करूंगा मैं, और टारगेट में 500 की तरफ का रखूंगा इंट्राडे के लिए, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का लो का SL रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर व्यू, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।